की। देखो यार, कुछ लोग होते हैं जिन्हें खतरों से खेलने में बड़ा मजा आता है। स्वामी हरि भरिओम उन लोगों में से नहीं है, बल्कि उन्हें मूत से भरे लोटे के साथ खेलने में बड़ा मजा आता है। आज की डेट में सब लोग इनकी गांड लेने में लगे हुए हैं, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं भी थोड़ी सी ले लूं, क्योंकि बनता है यार, बनता है। कम ऑन स्वामी जी, गिव मी दैट संजीवनी बूटी। आओ सबसे पहले जानते हैं कौन है ये हरि भरिओम। ये जिंदा वस्तु पानी में भागने की वजह से बहुत फेमस है। अरे यार, अपनी माँ मत चुदाओ। हम कहते हैं अपनी माँ मत चुदाओ, पैसा कटेगा तेरी माँ का चूत अपनी जूता पर। और ये बिग बॉस साथ साथ 10 बार 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 दरबार में भी आ चुका है। अब निकाल दिया भोसड़ी वाले को। तो हरि भरिओम ने एक इंटरव्यू दिया था जिसका अंत इतना भैरंड था। अरे भैये, बचपन से फुटबॉल का बड़ा शौक था, आज देखो। ये घटना क्यों और कैसे हुई? मैं बड़ा सीधा सवाल बोलिए ना, प्रियंका आप अच्छी तरह से निकले हैं। प्रियंका आप अच्छी तरह से जानती हैं कि जब मैं बिग बॉस के घर में था तब भी मैं हिंदू राष्ट्र की बात करता था, राम राज्य की बात करता था। भोसड़ी के दो लोगों पे तूने मूत की छींटे फेंकी है। नहीं, ये चीज ना मुझे बहुत बुरी लगती है। जिन लोगों की भाषा साफ होती है ना, ऐसा लगता है वो दूध से धुले नहीं, उनके शरीर में खून की जगह दूध ही दौड़ रहा है। लेकिन हरकतों से इतने कांडी, उन्हें तुम लोग कुछ नहीं कहोगे लेकिन हमारी मारने में बिल्कुल कसर नहीं छोड़ोगे। क्योंकि इस देश में जो भी बंदा गाली देता ना, उससे बेकार कोई इंसान नहीं है। अगर तुम लोगों की ऐसी सोच है ना, तो प्लीज कृपा करके पर्सनली अपनी गांड पे थप्पड़ मारो। और मुझे पता है ऐसे भी कुछ लोग होंगे जिन्हें ये काम करने में बहुत मजा आएगा। साले थप्पड़ मार के डैडी और चिल्लाएंगे। अगला ये कहते हैं कि बिग बॉस के घर में कोकेन, हशीश और गांजा मिलता है, चूंकि स्वयं बिग बॉस देते हैं। अरे उसके साथ साथ आपने आरोप लगाया कि बिग बॉस के घर में गांजा और अफीम और चरस तमाम चीजें, कोकीन साथ में। अच्छा, कौन देता था भाई? बिग बॉस देते थे। इसकी शक्ल ढंग से देखो, तुम्हें लगता है ये गंजेड़ी? तुम्हें लगता है ये मारता होगा कोकीन? कोकीन मतलब कल को इनका स्टेटस आ रहा है, डूइंग कोकीन एंड मेरी जाना विद बिग बॉस एंड 12 अदर्स। अगला इस फूलों और तार जैसे शख्स का कहना है, इसने सलमान खान को थप्पड़ मारा है। 30 दिसंबर को वो घर के अंदर आए थे, मेरे से मिले थे, मुझे उन्होंने किंग ऑफ फुटेज का अवार्ड दिया था। उसके बाद चूंकि वो चैन स्मोकर हैं, शराब के नशे में धुत थे ये बंदा एक अलग दुनिया में नहीं, अलग ब्रह्मांड पे जीता, जहाँ पर एक ऐसे तरह के सुट्टे मिलते हैं जिसमें से शराब का नशा होता है। उन्होंने अपना बड़ा लंबा वाला सिगरेट वो गेट के अंदर से लिया, उसके बाद उन्होंने बहुत बड़ी गलती ये की कि सिगरेट का धुआं कस लेकर के मेरे मुंह पे धुआं मारा, मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गया था, तब मैं उनको खींच करके वही झन्नाटेदार थप्पड़ भाई मारो मुझे। ये सलमान खान का गाल है और ये उस बुढ़ाओ का हाथ है। नहीं, हमारे एक और प्यारे से एक्टर है जिनकी सलमान खान से थोड़ी सी मुठभेड़ हुई थी। क्रिश 3 में सिर्फ उनकी 2 उंगलियां हिली हैं। अब इनका कहना है कि मोदी जी को पीएम इन्होंने ही बनाया था। ये प्राणी स्प्लिट बकचोदी डिसऑर्डर से गूंज रहा है। इस बीमारी में लोगों को पता ही नहीं चलता वो कब बकचोदी पेल रहे हैं और कब नहीं। मैं सही बता रहा हूँ, कल को ये बंदा कहेगा जादू। स्पेसशिप से मैं भी उतरा था, मुझे वो वापस लेके नहीं गए। मैं 1 लाख लोगों को लेके जाऊंगा, सलमान को लिटा लिटा करके उसकी हड्डियां तोड़ूंगा और बिग बॉस के घर में आग लगाऊंगा। बिग बॉस का नाम हमेशा के लिए मिटा। मैं उन 1 लाख लोगों की जिंदगी नहीं सोच सकता।